स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि लिंक्सिस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। राइट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिंक्सिस राउटर को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद उसको आप उसकी दो SSID आपको यहाँ दिखने लगी, जैसे मुझे दिख रही है यहाँ पर लिंक्सिस 00392। तो इस पर क्लिक कीजिए, आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ओपन नेटवर्क है तो ये आपको बिना पासवर्ड के कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद CMD कमांड में जाके CMD और यहाँ पे चेक कीजिए IP कॉन्फिग। तो यहाँ पे मेरा जो IP कॉन्फिग मिला है मुझे इस राउटर से, वो मिला है 192.168.1.1। तो उसका पिंग चेक कर लीजिए कि पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसका पिंग आ रहा है। अभी हम इसको एक्सप्लोर पर खोलेंगे, विंडोज एक्सप्लोर, या फिर आप क्रोम पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे 192.1.1 मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये लिंक्सिस का पेज खुल गया। अभी कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज़ डाउन, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन इस पर कनेक्टेड नहीं है, तो अभी ये शो दिखा रहा है डाउन। अभी हमें इसे कॉन्फिगर करना है, तो लॉगिन करते हैं। ये देखिए लॉगिन का पेज आ गया। अब यहाँ पे राउटर का पासवर्ड डालना है, जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड इसका होता है एडमिन। ये देखिए, ये इसका डैशबोर्ड है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगर। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है वाईफाई सेटिंग में लिंक्सिस की दो SSID दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा 5 GHz भी है और 2.4 GHz भी है। राइट, तो इसलिए दो SSID आपको यहाँ शो करेगा। बाकी डिवाइस लिस्ट में चले जाइए, डिवाइस लिस्ट में अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, जैसे मेरा लैपटॉप है और बस, जो मेरा लैपटॉप है और ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, इसलिए दो दिखा रहा है ये। गेस्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पेरेंटल कंट्रोल में कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी अपन को इसको कॉन्फिगर करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे कॉन्फिगर करेंगे। कनेक्टिविटी में चले जाइए, सेटिंग्स के अंदर ये सेटिंग्स है, यहाँ के बाद कनेक्टिविटी आएगा। यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग है, इंटरनेट सेटिंग में अभी ये टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एडिट कीजिए, या फिर DHCP है। यहाँ पे आप स्टैटिक IP भी दे सकते हैं, PPOE सेटिंग जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है वो भी दे सकते हैं, PPTP प्रोटोकॉल के थ्रू भी कॉन्फिगर कर सकते हैं, और ब्रिज मोड भी बना सकते हैं। तो अपन इसको आज कॉन्फिगर करेंगे ऑटोमेटिक DHCP, या फिर आप स्टैटिक भी डाल सकते हैं। तो मैं स्टैटिक डालता हूँ, यहाँ पे मैं स्टैटिक कनेक्ट कर देता, IP डाल देता हूँ जो मेरे इंटरनेट से आया हुआ है 192.168.168.199.suppose.dat में डाल देता हूँ 20। ये इस ध्यान दीजिएगा, ये IP अगर आप नेटवर्क में यूज़ ना हो रहा हो, क्योंकि इसी IP को यूज़ लेके वो आपको एक्सेस इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे उसका सबनेट मास्क दे दीजिए 55255.0। गेटवे में दे देता हूँ, मेरे नेटवर्क का गेटवे है 192.168.199.1। DNS मैं दे देता हूँ 8.8.8.8। सेकेंडरी देना चाहें तो दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ 8.8.4.4। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग चेंजेस, योर राउटर इज अप्लाइंग चेंजेस, ओके। ठीक है, इंटरनेट सेटिंग कर दी। लोकल नेटवर्क में आ जाइए, लोकल नेटवर्क में होस्ट नेम में आप डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, अभी यही रहने दीजिए, छोड़ दिए। यहाँ पे अब ये लोकल नेट में ये IP जो हम लोगों को बता रहा है ये मिल रहा है। अब यहाँ पे हम IP रेंज चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे हम DHCP
इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी ना DHCP डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो बैकएंड में जो आउटर लगा हुआ है उससे ऑलरेडी IP उस पर मैंने ऑलरेडी DHCP इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे DHCP डिसेबल कर देते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं। इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये सेटिंग हो गई। उसके बाद अपने राउटर को हम कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के केबल से, राइट। इंटरनेट चल गया कि नहीं, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे कनेक्ट किया तो आप देख पाएंगे, मैं पिंग लगा लेता हूँ google.com, राइट। तो ये पिंग आने लग गया। तो ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं लिंकसिंग राउटर को, सिंपल। ये आपका डैशबोर्ड पे शो होने लगेगा, डैशबोर्ड कनेक्टेड। एक्चुअली हम लोगों ने IP चेंज कर दिया था, तो हम IP चेंज करेंगे 192.168.20 पर एक्सेस होएगा। ठीक है, इंटरनेट चलने लग गया। अब हम वेबसाइट भी ब्राउज कर लेते हैं। ये वेबसाइट भी ब्राउज होने लगी। यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री श्याम।